الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. इसका मतलब है जमीन में धसाया जाना, गर्क कर दिया जाना कौमों का, या आसमान से कोई अजाब आ जाना। ये इंसानों के गुनाह होते हैं जिनकी वजह से ये सब होता है। हाँ, उनमें अगर कोई नेक लोग हैं तो उस वक्त तो वो निकाल दिए जाते थे। आज के दौर में अगर ऐसी कोई तबाही आती है और नेक लोग भी उसके अंदर ही चले जाते हैं, अहरा कोई बताने वाला तो नहीं कि आप निकल जाओ, और वो उसके अंदर ही चले जाते हैं इस अजाब में, तो क्यामत के दिन वो अपने ईमान पर उठेंगे, अपनी नियतों पे उठेंगे। मैं ख्याल अल्लाह लियतलीमाहू, अल्लाह ने इन पे जुल्म नहीं किया कि आप इनको देखे कहें हाय बेचारे, हाय इनके साथ ऐसा क्यों हो गया। नहीं, अल्लाह ने इनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। आप ये ना सोचना कि हाय बेचारे इनके ऊपर पता नहीं अल्लाह ने कोई जुल्म कर दिया। वलाकिन कानु अनफुसहुम यज़लिमून, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। अल्लाह अकबर, या अल्लाह हमें गुनाहों से बचा ले, या रब हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दे, या रब हमें गुनाहों की दलदल से निकाल ले, और ऐसा कभी ना हो कि शैतान हमारे लिए गुनाहों को मुजयन कर दे और हमारी गफलतों को मुजयन कर दे और इस दुनिया को इतना मुजयन कर दे कि हम इसमें गर्क हो जाएं और फिर शैतान हमें ऐसा इसमें डबो दे कि हमें होश ही ना आए। अल्लाह ऐसा ना हमारे साथ हो, या अल्लाह ये ना हो कि शैतान गुनाहों को ऐसा मुजयन कर दे कि हम अपनी इसलाह से ही दूर हो जाएं और हमें इतने अच्छे लगने लगे अपने गुनाह। और कुर्बे क़यामत में तो ऐसा ही है ना, इंसानों को अपने गुनाह अच्छे लगने लगेंगे, गुनाहों को वो कुछ समझेगा नहीं। और आज गुनाह इंसान को ऐसे के कोई अगर कहता भी है ना कि ये गलत काम तो करते हैं, हंसते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, हंसते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, पागल है, क्योंकि शैतान ने ऐसे मुजयन कर दिए हैं। आज देख रहे हैं, आप एग्जांपल्स ले आए कितने सारे गुनाह हैं जो लोग आपको ही पागल कहेंगे अगर आप कहेंगे कि ये तो कोई अलग बात है, अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं। फहाशी के जितनी काम है जो कॉमन हो चुके हैं, बेपर्दगियां और इस तरह की और गंदी मजलिसें, ये सब इनको लोग आज कहते हैं कि ये कौन सी ऐसी बात है। इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स, मर्दों औरतों की दोस्तियां, तो कुछ भी मसला नहीं है, बल्कि वो ही पागल है जो ये कह रहा है कि ये गलत है। और फिर अब मिसाल दी गई, एक मिसाल से बात समझाई गई है। मथलुल्लज़ीन अत्तखज़ु मिन दूनिल्लाही औलिया के मथल अनकबूत। और पहले जैसे मैंने आपको बात कही थी कि जो भी अल्लाह के सिवा किसी को भी सहारा बनाता है तो उसकी मिसाल कैसी है, अनकबूत, मकड़ी की तरह। इत्तखज़त बैता, जिसने बना लिया एक घर, ये ऐसी मिसाल है कि एक मकड़ी ने एक घर बनाया। मकड़ी के घर को क्या कहते हैं, उसका जाला। जो जाल मकड़ी बनाती है वो उसका घर है, वो कैसा लगता है, ऐसा लगता है बड़ा ही खूबसूरत है, उसको वेब कहते हैं ना। लेकिन जब उसके अंदर कोई फंस जाता है तो निकल नहीं सकता, हाथों को चिमट जाता है तो हाथों से भी नहीं उतरता। कोई जानवर उसमें फंस जाए, मक्खी वगैरह फंस जाए तो निकल नहीं पाती। जो लोग दूसरों को सहारा बनाते हैं, गैरुल्लाह का सहारा लेते हैं ना, उनको पुकारते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको आगे अपनी हाजतें रखते हैं। अब चाहे वो कोई बुत हैं, चाहे वो कोई गैरुल्लाह की कोई भी और शक्ल है, चाहे वो कोई इंसान ही है जिनको इंसान सहारा बनाए हुए, चाहे वो कोई
हकूमत है, कोई सियासी पार्टी है, या कोई इख्तदार में लोग हैं जिनको इंसान सहारा समझता है, ये मेरा सहारा है, ये मुझे बचाएंगे, ये मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे। जिसको भी आपने सहारा बनाया अल्लाह के सिवा, याद रखना वो बैतुल अनकबूत है, मकड़ी का जाल है। अब आप सोचे किसी दिन अगर आप गिरने लगे, मसलन अल्लाह ना करे गिरने लगे, और आप सहारा लेते हैं किसका, आप ना वो मकड़ी के जाले के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि ये मुझे सहारा दे देगा, मैं गिरने से बच जाऊंगी। कितनी बेवकूफी की बात है ना, बेअकली की बात है ना, वो मकड़ी का जाला कैसे आपको बचाएगा, ये बात हमें इसमें समझ आती है। लेकिन जब हम गैरुल्लाह का सहारा लेते हैं ना, तब हमें समझ नहीं आती कि ये बैतुल अनकबूत है, ये तो मकड़ी का जाला है, ये हमें क्या बचाएगा। लोगों ने कहीं अपनी बरादरियों को, कहीं जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं दीन इस्लाम की तरफ आते हैं, वो कहते हैं ये हमारी जो कम्युनिटी है या ये हमारी जो हमारे मजहब वाले हैं, ये हमारा सहारा है, हमने अगर इस्लाम कबूल किया तो ये क्या, हमें जब छोड़ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमें कौन पूछेगा, हमें कौन देखेगा, हमारा तो ये सहारा है। उन्होंने मकड़ी के जाल को अपना सहारा बनाया है, और अल्लाह ताला ने उसकी हकीकत क्या बताई, वह इन अवहन अलबुयूदी लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर है, वाकई सबसे कमजोर है ना, आप देखें एक उंगली से भी आप उसको तोड़ सकते हैं। लव कानु यालमून, काश के वो समझ रखते, इतने बूढ़े हैं ये सहारे, इतने कमजोर हैं ये सहारे, जितने भी हैं मिन दूनिल्लाह, जितने भी मिन दून अल्लाह के सिवा क्या क्या है, वो कोई भी सहारा, यू नेम इट। अब जरा बुतों की बात करके इसको रिजेक्ट ना कर दे कि हम तो नहीं ना, हम तो कौन सा बुत पूजते हैं लिहाजा हमारे लिए तो नहीं, नहीं, जिसको भी आप सहारा समझते ये मेरा सहारा है, वो चाहे आपकी औलाद ही क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी है, इनको अपना सरपरस्त समझा, मददगार समझा, काम संवारने वाला, संभालने वाला, यहां से हमें फायदा मिलेगा, यहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तो इसके ऊपर मैं लीन करूंगी, ये मुझे सपोर्ट देंगे, ये हैं जो मुझे बचाएंगे। तो मकड़ी का घर भी कभी किसी को बचाता है? नहीं। कितना उन्होंने घाटे का सौदा किया, ये तो एक झटके से ही टूट जाता है, तो वो अपना बचाओ ऐसी जगह से लेना चाहते जो एक झटके में टूट जाए। अल्लाहु अकबर, कितनी जबरदस्त मिसाल है ना, कितनी जबरदस्त, बजाहिर देखने में जो इतना मजबूत लगता है, ऐसे लगता है कि जाल बुना हुआ है, लेकिन कितना कमजोर। अल्लाहु अकबर, इन्नल्लाहा यालमु मा यदउन मिन दूनी मिन शै, बेशक अल्लाह ताला खूब जानता है उसको जिसको वो पुकारते हैं अल्लाह को छोड़ के, कोई भी चीज है, चाहे वो बुत हैं या चाहे वो कोई अपने किसी बड़े को पूज रहा है, अपने आबाओ अजदाद के दीन को पूजता है, या अपने किसी पादरी को, या अपने किसी मसीही पेशवा को, या किसी नबी को, या किसी को भी पूज रहा है ना, पुकारता है उसको, उसको सहारा बनाया हुआ है, वो पूजा ही होती है, जिसको इंसान पुकारता है मुश्किल में वही उसका खुदा होता है। तो जिनको भी किसी ने खुदा बनाया हुआ है, जिनको भी कोई पुकारते हैं अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह ताला को अच्छी तरह पता है। अल्लाहु अकबर, वहु अल अजीजुल हकीम, और वो तो गालिब है और हिकमत वाला है, सब पे गलबा रखता है, और उसकी हिकमतें हैं, वो अपनी हिकमतों की वजह से फौरी सजा नहीं देता, फौरी पकड़ता नहीं है, वरना वो गालिब है। जब इंसान गालिब होता है ना, इंसान जब गालिब होता है तो वो तो ना आओ देखता ना ताओ जुल्म पे भी दलेर हो जाता है, क्योंकि उसके पास पावर जो होती, तो वह पावर
कहते ना पावर मेक्स अ मैन करप्ट, पावर जब आती है तो इंसान करप्ट हो ही जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के पास जितनी अल्टीमेट पावर है उसके साथ उसकी हिकमत है। वो ऐसे ही अंधाधुंधी इंसानों की तरह जैसे अंधाधुंधी डंडे चलाना शुरू हो जाते हैं, बस पावर का फिर बेदरेग इस्तेमाल, अरे कोई मरता है जीतता है कोई परवाह नहीं, सब कोई बीच में खत्म कर दिए, ऐसे नहीं, हिकमत हिकमत। वतिलकल अम्साल नद्रिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए, समझाने के लिए उनको कि लोग इनसे अकल ले समझ ले, लोग इन इन मिसालों से ही समझ लें। देखिए मिसाल आप एक बच्चे को देते हैं ना, बेटा उससे समझ लो, इससे देख लो, ये कर, कि आप नहीं चाहते कि वो नुकसान में पड़े, आप चाहते हैं वो समझ जाए। अल्लाह ताला ने बहुत सारी मिसालें बार बार दी, बार बार दी कि इंसान समझ जाए। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, लेकिन नहीं समझते इन मिसालों को मगर इल्म वाले, इल्म वाले समझते हैं। इसीलिए आमर बिन मुर्रा फरमाते हैं कलामुल्लाह की जो आयत मेरी तिलावत में है उसका तफसीली माना अगर मुझे समझ ना आए तो मुझे डर लगता है, मुझे तकलीफ होती है, कहीं अल्लाह के हाँ मेरी गिनती जाहिलों में ना हो गई। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी मिसालों को सिर्फ इल्म वाले समझ सकते हैं। तो अगर मुझे मिसाल नहीं समझ आ रही तो ये तो नहीं कि मैं अल्लाह के यहां जाहिल हूं। हम भी देखें क्या हमें मिसालों से समझ आती है, हमें समझ आ रही है ये मिसालें कि नहीं, अगर नहीं समझ आ रही तो जाहिल ही है फिर। अल्लाह को छोड़ के किसी और को सहारा बनाना, ये मिसाल समझ आ रही है? अगर हम कहते हैं समझ आ रही है लेकिन करना हमने वही है तो फिर समझ क्या आई, फिर तो कोई समझ नहीं है ना, फिर अकल है ही नहीं। मिसाल तो इसलिए कि समझ आ गई बस, अब मुझे इतनी समझ है कि अब मैं नहीं ये करूंगी, वो ये होती है समझ। अल्लाह ताला की मिसालों को इल्म वाले समझ सकते हैं, इससे इल्म की अहमियत का आपको पता चलता है। वाकई अल्लाह ताला ने हक फरमाया इल्म वाला और बे इल्म बराबर नहीं होते, नहीं होते बराबर। जब इल्म आ जाता है अकल खुल जाती है, समझ आने लगती है, अंधेरे और रोशनी में फर्क पता चलता है, सफेद और सियाह में फर्क पता चलता है, बुराई और भलाई में फर्क पता चलता है, इंसान को हक और बातिल की पहचान हो जाती है। ये इल्म का फायदा है, लेकिन हम में से अक्सरियत फिर भी बे इल्म रहना चाहती है, अंधे बन के रहना चाहते हैं। इल्म रोशनी है, अल्लाह ताला के हाँ इल्म वालों की बहुत कदरों कीमत है। इल्म ले और अपने आप को अंधा मत रखें, जाहिल मत रखें। चाहे आपने दुनिया जहान की डिग्रियां ली हैं, लेकिन अगर ये मिसालें आपको समझ नहीं आ रही ना तो जाहिल है अल्लाह के हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन मिसालों को सिर्फ इल्म वाले समझते। वो क्या फायदा उस पीएचडी का कि जिसके बाद ये मिसाल ही समझ ना आए, इसका पता ही नहीं है, अल्लाह के यहां तो वो जाहिल है। आप चाहे जितने मर्जी अवार्ड ले रहे हैं, जितने मर्जी सर्टिफिकेट्स आपके पास है, तो इल्म ले। बहुत सारे लोग आज बयान करते हैं कि हम हज पे गए और जब हमने हज इल्म के बगैर किया था और जो हज इल्म के साथ किया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे लोगों ने ये बात शेयर की है। और देखें जब इल्म आता है तो इंसान की कितनी सोच बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, उसके काम करने के ढंग बदल जाते हैं, उसका उठना बैठना बदल जाता है, जिंदगी गुजारने का बिल्कुल तरीका ही बदल जाता है, उसके घर बार बदल जाते हैं, उसका पहनना ओढ़ना बदल जाता है, उसकी गुफ्तगू बदल जाती है। इससे पता चलता है कि इल्म वाले के अंदर चेंज आनी चाहिए। अगर चेंज नहीं आई है वैसे के वैसे, जैसे ठीक है ये नहीं हमें कह रही कि परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जहां जीरो पे खड़े हुए थे वहीं पे हैं, तो इसका मतलब जाहिल ही है। फिर तो किताबें पढ़ ली और अल्लाह ताला ने मिसाल दी है यहूद की इसी कुरान के अंदर कि उनके ऊपर तो इल्म का ऐसे है जैसे गधे के ऊपर किताबें लाते ना, तो फिर वही हमारा हाल हो गया। इल्म के बाद हमारी जो आउटलुक है, जो हमारा उठना बैठना, हमारी गुफ्तगू, हमारे मामलात, हमारे घर बार, हमारी तौर तरीके, वो बदलने चाहिए, तभी पता चलेगा ना ये इल्म वाले। और कहां से पता चलेगा, क्या सर्टिफिकेट दीवारों के ऊपर चिपका लेने से थोड़ी पता चलता है, वो किसी काम के नहीं, वो रद्दी है अगर अमल में नहीं आया, अगर हमारे ये तौर तरीके नहीं बदले,
अगर हम कुछ भी पढ़ के भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं तो हमने कुछ हासिल नहीं किया। फिर ये इन कागजों को जो है ना आग लगा दे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं, जिनकी हमें ज्यादा हिर्स रहती है मुझे मिल जाए सर्टिफिकेट, मुझे मिल जाए, ये कागज है सिर्फ। अगर जिंदगी नहीं बदले, हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि हमारी जिंदगी बदले, ये है सर्टिफिकेट कि लोग देखें तो पता चले कि इसने कुरान का इल्म हासिल किया, हमारी बातें ऐसी हों कि पता चले, फर्क होनी चाहिए बेइल्म और जाहिल इंसान से, हमारे जो तरीके हैं, हमारी खुशियां, हमारे गम, हमारे काम कारोबार, हमारे हमारा काम करना घरों के अंदर या बाहर, घर से बाहर हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारी जो लिबास हैं, हमारे जो जो भी रंग ढंग है, वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि देखने वाले को समझ आ जाए इसने कुछ इल्म लिया है। मुकम्मल तो हम नहीं कह सकते, कोई भी हम में कामिल नहीं, लेकिन इसको कुछ समझ है, इसको कुछ पता है। और अगर हमने हर जगह पे जाके ये मुंह खोले हुए हा हा ही हु कह कह लग रहे हैं, और कोई कपड़ों का कोई होश नहीं, क्या क्या पहना है क्या नहीं पहना, वही घर में वही बाहर वैसे ही ढंग ढंग, और वही जैसे जो जो काफिर लोग करते हैं उसी तरह हम हैं, उसी तरह हमारी खुशियां, उसी तरह हमारे गम, उसी तरह के तौर तरीके हम कर रहे हैं, तो हमने क्या इल्म लिया पता है? हम तो पढ़ पढ़ के फिर बस एक बोझ है जो हमारे ऊपर है, क्योंकि यही हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगा फिर। तो इसलिए समझिए इस चीज को कि इल्म वाले में और बेइल्म में फर्क होता है, और फर्क वाजे होता है, और अगर फर्क नहीं पता चल रहा तो इसका मतलब हमने इल्म नहीं लिया। खलकल्लाहु समावाति वल अर्दा, अल्लाह ने पैदा किया आसमानों को और जमीन को बिल हक, हक के साथ यानी मकसद के साथ, और ये सच है ये हक है, बेमकसद नहीं बनाया किसी भी चीज को, और बातिल नहीं है कोई चीज यहां पे, और उसके कारखाना कुदरत में कोई चीज फालतू नहीं है, ऐसे ये तो यानी ये चीज मुझे नहीं पसंद तो इसका मतलब इसको तो होना ही नहीं चाहिए था, नहीं उसकी हिकमत है, बामकसद है, उसका कोई रोल है, ऐसे हैप-हैज़र्ड चीजें नहीं खेल तमाशे बनाए हुए, ये नहीं है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, इसमें एक निशानी है ईमान लाने वालों के लिए। देखें कितनी सारी बातें बता दी, निशानी का मतलब क्या होता है, इससे रब को पहचानो, इससे जानो, इससे सबक लो, इबरत लो, नसीहत लो, कितनी सारी बातें हमें बता दी गई नसीहत के लिए। किसी ने सबक लेना हो और किसी का ईमान हो ना तो बहुत कुछ है इसमें, फूड फॉर थॉट है इसमें, इंसानी जिंदगी के लिए कितनी बड़ी गाइडेंस है इसमें, किसी तरह के भी किसी के हालात है उसके लिए इसमें सबक है। तो इन सब में सबक है, इन सब में निशानियां है, आसमान और जमीन में भी निशानियां है, इनके बामकसद होने में भी हमारे लिए निशानी, लेकिन हमें निशानियां क्या नजर आ रही हैं या नहीं, कोई सबक मिलता है कि नहीं, या हम अपनी धुन के अंदर मगन है, अपने जिंदगी के कामों में इतने मगन है कि हमें पता ही नहीं कि क्या सबक मिल रहा है, इस आसमान और जमीन को देख के भी नहीं सबक मिलता, आसारे कदीमा को देख के भी नहीं सबक मिलता, कौमों के खंडरात को देख के भी नहीं सबक मिलता, बैतुल अनकाबूत को देख के भी नहीं सबक मिलता, किसी चीज को देख के ही नहीं सबक मिलता, देख रहे हैं और जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं और कुछ सोच नहीं आती। इन दुनिया के सहारों का टेम्पररी होना हमें नजर नहीं आता अगर, और इनका कमजोर होना हमें नहीं समझ आता, और इनके ऊपर सहारा लेने वालों की नाकामी नहीं हमें नजर आती, तो हम तो कुछ भी सबक नहीं ले रहे। शायर ने कहा ना, इसी रोज और शब में उलझ के ना रह जा कि तेरे जमाओं ओ मकां और भी हैं। हम ये तो नहीं कि दुनिया की जिंदगी में इतने सुबह होती शाम होती है, कामों में इतने उलझे पड़े कि हमें कुछ भी गौर व फिक्र का मौका ही नहीं,
कुछ भी सबक लेने का हमारे पास कोई टाइम ही नहीं, तो हम भागे जा रहे हैं बस। इनमें निशानियां ईमान वालों के, ईमान वाले हैं तो इससे सबक लें, उस जात को पहचाने और अपने अंजाम को जाने, और जिस तरफ हम दौड़ के जा रहे हैं उसकी कुछ फिक्र करें और अपनी जिंदगी को संवार लें। अल्लाह ताला इस पारे को पढ़ना, 20वें पारे को, इसको 20 पारे जो हमने पढ़े अभी तक भी और ये पारा भी, और इसमें जितनी भी हिकमतें और सबक है, अल्लाह ताला ये लेने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमें समझ दे, हम गैर अल्लाह के सहारे को छोड़ के सिर्फ अल्लाह को अपना सहारा बनाए और इस शिर्क से अपने आप को निकालें कि जब हम गैर अल्लाह का सहारा लेते हैं और उसी के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी होती है कि अगर वो टूट जाए तो हमें लगता है दुनिया अंधेर हो गई, अगर वो खत्म हो जाए तो हमें लगता है कि बस अब कुछ नहीं रह गया, वो शौहर हो, बच्चे हो, कम्युनिटी हो, बरादरी हो, कौम हो, मुल्क हो, वो हमारे कुछ भी हैं, कोई सहारा सहारा नहीं। इया का नाबुद व इया का नस्ताइन, ये यही तो सबक देता है हमें। अगर शिर्क से ही ना निकले तो फिर क्या समझ आई आज तक, अगर इन कौमों से इबरत ना ली तो इतने पारों में कितनी दफा इन कौमों का जिक्र आ चुका है, फिर भी हम वही काम कर रहे हो जो ये कौमें करती हुई दुनिया से चली गई, तबाह हो गई, फिर भी हम वही काम कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया फिर सबक? ईमान वालों के लिए तो बहुत बड़ा सबक है। अगर फिर भी गुनाहों से बाज नहीं आए और ये नहीं सोचा कि गुनाह तबाही लाते हैं, बर्बाद कर देंगे ये गुनाह मुझे, जैसे बीमारियों से बचते हैं और उनसे महफूज रहने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं और कितनी फिक्र करते हैं मुझे बीमारी ना लग जाए, गुनाहों से बचने की इससे ज्यादा फिक्र करें। गुनाह तबाही लाते हैं, इंसान की उम्र की बरकत खत्म कर देते हैं, इंसान को रिस्क से महरूम कर देते हैं, इंसान को अल्लाह की नाराजगी का में शामिल कर देते हैं, जिनसे अल्लाह नाराज होता है उनमें शामिल कर देते हैं। ये गुनाह इंसान को कहां तक ले जाते हैं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, घर बार खत्म हो जाएंगे, कारोबार खत्म हो जाएंगे, सब चीज पीछे रह जाएगी, ये गुनाह साथ ही चले जाने हैं उस हशर के मैदान तक जो बहुत खौफनाक मैदान है। तो अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचा ले, गुनाहों की कराहत हमारे दिलों में डाल दे, गुनाहों से नफरत हमें दे दे, गुनाहों से हमें बचा ले, हमें, हम खुद नहीं बच सकते, अल्लाह ताला हमें बचा ले। अब इसके बाद भी कोई बात रह जाती है, फबिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, क्या इस कलाम से ही तुम फिर बेतवज्जो ही करोगे, इसके बाद भी तुम्हें कोई और चीज चाहिए, फिर इसकी तरफ तुम नहीं तवज्जो करोगे, ये इल्म नहीं लोगे क्या, क्योंकि इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं होते। ये अजीम किताब है जो हमारी आंखें खोलती है, इससे भागोगे क्या? अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन सारी बातों को समझ भी लें और इनको याद भी रखें, और अमल के वक्त भी हमें ये अल्लाह ताला याद दिला दे और हम इनको अपने अमल में ला सकें। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु।